Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel Intech Solution. Aaj hum students baat karenge past perfect continuous tense ke upar. To mujhe lag raha hai ki jo piche main padha raha hu us pe kaam bhi ho raha hai ya nahi ho raha. Guys, chalte hain apne lecture ki taraf. Past perfect continuous tense iska structure maine aapko jaise pichli videos mein bataya ke bahut hi simple hai past tenses ka karna aur aaj hamara aakhri lecture hai past tense ke upar. तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो पास्ट के पिछले तीन जो पढ़े हैं कम्बिनेशन जैसे पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, ये चीज़ें सारी पढ़ी हैं तो उन पे आपने प्रैक्टिस ज़रूर की होगी और मुझे नहीं शर्मिंदा करेंगे इंशाल्लाह. तो सीखिए और अपनी लाइफ को और भी मज़ेदार बनाइए. स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट है प्लस हम हैड के साथ बिन का इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट में भी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था उसमें भी बिन का इस्तेमाल किया जाता है. प्लस ऑफ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में इस्तेमाल होगा पीरियड या टाइम का. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ. ही हैड बिन वर्किंग, वर्क का आईएनजी लगा दिया, इन माइक्रोसॉफ्ट सिंस मैनी ईयर्स. अच्छा, जो टाइम वो नहीं किया जाता ना, जिस टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम मैनी के सिंस के साथ हम इस्तेमाल करेंगे और जो टाइम काउंटेबल है उसको हम फार के साथ इस्तेमाल करें. ठीक है, आगे मैंने आपको नेगेटिव का बताता हूँ. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, बिटवीन हैड एंड बीन आपने क्या करना है, नॉट लगाना है. ठीक है, पुट नॉट, ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट फॉर टू वीक्स. ये यहाँ देखें, अब उसने बताया कि दो हफ्तों से, ये टाइम बता दिया है उन्होंने कि इस टाइम को हम काउंट कर सकें कि वो दो हफ्तों से काम कर रहा, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर टू वीक्स. ठीक है गाइस, सिंस का मैंने ऊपर बताया कि जिसमें मैंने ये लिखा है ना, इसमें बताया नहीं, वन टू थ्री फोर नहीं बताया. इस तरह सेम आप जाए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, हैड जो है वो आएगा किस में, विल कम ऑन स्टार्ट, स्टार्ट में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद कौन सा आएगा, बिन आएगा. हैड ही बिन वर्किंग सेम रहेगा इन माइक्रोसॉफ्ट सिंस मैनी ईयर्स और आपने इसमें लगाना है क्वेश्चन मार्क, बिकॉज इंटेरोगेटिव है ना. समझा करें इस चीज को, दिमाग में रख ले. मैंने बहुत बार बताया कि क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, आपने भूलना नहीं है. ठीक है, तो फी मानल्ला इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगले टेंस में, फ्यूचर में, और फ्यूचर में बड़ी मजेदार बातें होने वाली है इंशाल्लाह. लगे रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और भूलिए मत शेयर करना, लाइक करना और इस पर प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा.